हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेमचंद स्टडी जी के। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत का संबंध किस पार्टी से है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय अकबर रोड नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत का संबंध किस राज्य से है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत राजस्थान में कितनी बार मुख्यमंत्री बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अशोक गहलोत राजस्थान में कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1998। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1/12/1998 से 8/12/2003 तक राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री बने। 13 दिसंबर 2008 को दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 17 दिसंबर 2018 से अब तक राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सरदारपुरा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 मई 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर के मंडोरवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबंध किस जाति से? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत राजस्थान अनुसूयाई के प्रदेशाध्यक्ष कितने वर्ष रहे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक गहलोत 1974 से 1979 तक अनुसूयाई के प्रदेशाध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत कितनी बार लोकसभा सांसद बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अशोक गहलोत कुल 5 बार लोकसभा सांसद बने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अशोक गहलोत 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा में सांसद बने। अशोक गहलोत 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 8वीं लोकसभा में 1974 से 1989 तक लोकसभा के सदस्य रहे। 10वीं लोकसभा में 1991 से 1994 तक लोकसभा सदस्य रहे। 11वीं लोकसभा में 1994 से 1998 तक लोकसभा सदस्य रहे। 12वीं लोकसभा में 1998 से 1999 तक प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत कितनी बार विधायक बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5 बार। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अशोक गहलोत सरदारपुरा जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। 1999 में 11वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। 12वीं विधानसभा के लिए 4 दिसंबर 2003 को निर्वाचित हुए। 13वीं विधानसभा के लिए 8 दिसंबर 2008 को पुनर्निर्वाचित हुए। 14वीं विधानसभा में पुनर्निर्वाचित हुए। 15वीं विधानसभा में 1 बार फिर निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत केंद्र सरकार में कितनी बार मंत्री बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 बार। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। 2 सितंबर 1982 से 7 फरवरी 1984 की अवधि में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरी उड्डयन मंत्री के उपमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत राजस्थान सरकार में मंत्री कब बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट,
जून 1989 से नवंबर 1989 की अल्प अवधि के बीच अशोक गहलोत राजस्थान सरकार में गृह तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कितनी बार बने? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3 बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला कार्यकाल सितंबर 1985 से जून 1989 की अवधि के बीच रहा, 1 दिसंबर 1994 से 1997 तक दूसरी बार रहे, जून 1997 से 14 अप्रैल 1999 तक तीसरी बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत की पत्नी का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुनीता गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत के पिता का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण सिंह गहलोत। अशोक गहलोत के पिता का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण सिंह गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गहलोत के पुत्र का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वैभव गहलोत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।